किरण फूड चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए मटर की रेसिपी आपके सामने बनाने जा रही हूँ। तो ये है सूखा हुआ मटर, व्हाइट मटर, ग्रीन भी आता है लेकिन मैंने व्हाइट मटर लिया है। इसके छोले बनेंगे। मटर 500 ग्राम मटर मैं पहले से भिंगा के रख दिया है। इसको रात में ही भिंगो, जब आज बनाना है तो रात में ही भिंगो के रख दीजिए। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैं मिक्सी में पीस के रखा हुआ है। और ये है कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च कटा हुआ, टमाटर कटा हुआ और धनिया पत्ता कटा हुआ। और ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और ये इलायची, जीरा और सरसों का तेल और नमक। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ। कुकर को मैंने गैस के ऊपर डाल दिया है। तो सबसे पहले कुकर को मैंने गैस के ऊपर गर्म होने के लिए डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी सरसों तेल, थोड़ी सी हींग। हींग आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। जिसको पसंद नहीं है वो ना भी डालें, लेकिन ये डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद जीरा, इलायची। अब मैं कटा हुआ प्याज और मिर्ची डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसको मैं मिलाऊंगी। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इसके साथ ही मिलाना है अभी से 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। उसके बाद मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर। मिर्ची मैंने कम लिया है क्योंकि मैं पहले से हरी मिर्च काट के डाला हुआ है इसमें। और ये गरम मसाला पाउडर, इसको मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। अब इसमें मैं नमक डाल दूंगी। अब ये अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें मैं टमाटर डालूंगी। बस 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी। अभी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं मटर, अब इसमें मैं भिंगाया हुआ मटर डाल रही हूँ। अब इसमें मैं हरा धनिया
आधा डाल दिया है, आधा मैं बाद में डालूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। सभी को अच्छी तरह से मिला के कम से कम 5 मिनट तक मुझे फ्राई होने देना है। अब ये फ्राई हो चुका है, अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। पानी अपने हिसाब से डालना है, पानी इतना डालना होगा कि ये मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब मैं कुकर का ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट तक छोड़ दूंगी। 20 मिनट हो चुका है, अब ये तैयार हो गया है। देखिए तैयार हो चुका है। अब इसमें बचा हुआ मैं धनिया डाल दी हूँ। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है तरीके से आप सर्व। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो अगली रेसिपी के साथ मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।